नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती जो कोर्ट में केसेस चल रहे थे, जो याचिकाएं थी वो कम से कम एक दर्जन से ऊपर याचिकाएं थे। कुछ बच्चे जो पहले से बच्चे एज ए टीचर बोल सकते हो, एज ए टीचर वो कार्य कर रहे थे बिहार में, एज ए शिक्षक थे वो, कई सालों से शिक्षक थे, उनकी कई याचिकाएं थी कि जो ये नियमावली है, जो ये शिक्षक भर्ती है, इसको जो है निरस्त किया जाए और नए जो पुराने नियमावली के तहत शिक्षक बनाए गए थे उन्हें जारी किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षक भर्ती हो। कुछ ऐसे केसेस थे, कुछ स्टेट से रिलेटेड इश्यूज थे बच्चों के, कि जो अभी 2019 के बाद स्टेट नहीं हुआ तो वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो कई सारे याचिकाएं थी हाईकोर्ट में। तो यहाँ साफ साफ देखा जाए तो हाईकोर्ट का जो रवैया है, उन्होंने कहा है कि जो ये 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ साफ क्या कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा क्या था कि पूरा का पूरा इस नियमावली को चुनौती देने वाले करीब एक दर्जन याचिकाओं को मंगलवार को एक साथ सुनवाई की गई और इसको साफ साफ जो है खारिज कर दिया गया। क्या कहना है यहां पर, तो देखो किस लिए था यहां पर, मैंने यहां पर बता दिया कि जो बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि वर्ष 2006 में शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली बनाई गई थी, फिर वर्ष 2008, 12 और 2020 में नियमावली लागू की गई, इसी के तहत प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति की गई, इन सभी नियमावली को समाप्त कर नई नियमावली लागू कर दी गई है। उनका कहना था कि पूर्व में नियमों के तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकांश पंचायत समिति और जिला परिषद और नगर पालिका के हाथों में था, अब सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाली कर रही है। उनका कहना था कि पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषदों और नगर पालिका से शिक्षकों की बहाली का अधिकार वापस लेना स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांतों का हनन है। नए प्रावधानों के अनुसार 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए जो परीक्षा के आधार पर नियुक्ति अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई है, जबकि इसके पूर्व टीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों को शिक्षक बहाल किया जाता था। तो मतलब यही है, ये आपके कहने का क्या है, किसने कहा है ये सब चीजें, ये आपके जो पहले से नियुक्त जो टीचर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षक बने हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, इस नियमावली का, कि हम ऑलरेडी अपनी सर्विस इतने साल दे चुके हैं, अब हम एग्जाम दे के फिर से टीचर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो एग्जाम हमारा जो है हमारा डिक्लेयर करेगा कि हम एज ए बिहार में टीचर रहेंगे कि नहीं। तो इस वजह से उन्होंने इस चुनौती को दिया था। तो उनके जो वकील साहब है उन्होंने ये बातें रखी थी, पहले ऐसा नहीं होता था, जो नियमावली थी उसके तहत तो टीईटी पास पर ही आप एज ए टीचर बना दिया जाता था, अब बीपीएससी का एक ये बोल सकते हो कि सुपर टेट हमें देना पड़ेगा, ये कहाँ का इंसाफ है, इतने सालों की हम सर्विस देने के बाद हमें फिर से जो है एक एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ, उन टीचरों के साथ जो वो शिक्षक हैं पहले से बिहार में, ये गलत हुआ है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। जब वो पहले से इतने समय से एज ए टीचर काम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल अमेंडमेंट करना चाहिए था, अलग से चीज़ें नियम निकाल के उनको रियायत देना चाहिए था, कुछ मार्क्स उनको देने चाहिए था, चाहे कुछ भी हो सके उनको कुछ फायदा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बिहार जो है सरकार या बीपीएससी कुछ भी नहीं सोची, यहाँ शिक्षा विभाग ने भी कुछ भी नहीं उनके बारे में सोचा, ये सरासर गलत है। ठीक है, और इसी का वेट कर रहे थे बच्चे, इसीलिए फॉर्म अभी तक जो पड़ा है वो सिर्फ मात्र 1,70,000 की वैकेंसी में 70,000 से फॉर्म पड़े हैं, यहाँ तक कि हर स्टेट को भी अलाउ कर दिया गया है, बिहार के साथ साथ अदर स्टेट भी इसमें अलाउ कर दिए गए हैं, तभी भी मात्र 70,000 फॉर्म पड़े हैं। शायद जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि ये जो बहाली है वो इस नियमावली पर रोक लगा दिया जाए और कुछ नए निर्देशों के साथ कोई नया बहाली जो है स्टार्ट हो सकता है, जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ हाईकोर्ट का जो मंशा है वो दिख रहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना उन बच्चों, उन शिक्षकों के बारे में, उन शिक्षकों के हित के लिए कुछ भी नहीं सोचा और सीधे सीधे पूरी की पूरी याचिकाएं जो हैं वो खारिज कर दी गईं। लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक फैसला नहीं हुआ है, पूर्ण रूप तक इसका जो है 22 अगस्त तय की थी कई हाईकोर्ट ने मामले पर अंतिम सुनवाई की तिथि है, जो 22 अगस्त को है वो अंतिम तिथि होगी इसके सुनवाई की, वहीं पर फैसला आएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ऑलमोस्ट इतना क्लियर हो गया है कि अब ये भर्ती नहीं रुकने वाली है,
जो इसके नियम हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें भर्ती होंगी। तो अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए भी जो चीज़ें हैं वो एज ए प्राइमरी ही टीचर बन सकते हैं, क्योंकि 9 और 10 11 12 के लिए एस्टेट चाहिए जो वो पहले से नहीं क्लियर किए होंगे, क्योंकि जब 2019 के बाद बिहार में ही नहीं हुआ तो अदर स्टेट वाले कैसे देंगे। तो प्राइमरी के लिए ही अदर स्टेट के बच्चे सीटेट के बिहाफ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो हो सकता है आज से इस आवेदन की जो संख्या है इसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि अभी तक बच्चे जो है इसी का वेट कर रहे थे कि क्या कोर्ट का आदेश आता है। तो कोर्ट में कई सारी केसेस चल रहे थे और उनमें से जो ये बता दिया जाए कि अभी इन पर जो है ये सुनवाई आ गया है कि ये रोक नहीं लगेगा इस भर्ती पर, ये भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है, तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म जरूर भर लें। सरकार को नई नियमावली बनाने का अधिकार महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है। मतलब इन्होंने कहा कि हमें अगर एक तरह से बोला जाए किसके लिए, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, योग्य शिक्षकों का, इसका मतलब इससे पहले आप जो जिन शिक्षकों को एस्टेट का एग्जाम लेकर नियुक्त किए थे क्या वो योग्य शिक्षक नहीं थे? अब आज आप बोल रहे हैं कि योग्य शिक्षकों के लिए हमें जो है ये प्रक्रिया में चेंजेस करने का अनुमति है, तो ये तो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं उन शिक्षकों के साथ ये सरासर गलत हुआ है, उनको कोई ना कोई वेटेज दिया गया है, ना ही कुछ उनको प्रेफरेंस दिया गया है, तो एटलीस्ट उनको कंसिडरेशन करना चाहिए था इन इतने सालों की सर्विसेज को, और इसके लिए लोगों को आवाज़ भी उठानी चाहिए। और शायद इसी अकेलेपन का बच्चों का उन शिक्षकों का फ़ायदा उठाकर कोर्ट ने उनके पक्ष में ना फैसला करके सीधे सरकार के पक्ष में ये फैसला दिया है। तो चलिए, कोई और अपडेट मिलता है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपके समक्ष आऊँगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके समस्याओं का समाधान मैं कर पाऊँ वीडियो के माध्यम से। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।